असलमैक अच्छा भाई आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है मतलब हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी थी क्योंकि अब आप लोग के एग्ज़ाम्स भी करीब हैं लाइक बस मैक्सिमम दो महीने रह गए अब तो तकरीबन और आप लोग एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो इट्स लाइक मुझे बेसिक जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि तैयारी करनी किस तरीके से होती है तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी आप लोगों का लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ऑफकोर्स कोशिश यही होगी कि जितना समराइज़ कर सकूँ इस चीज़ को इस टॉपिक को एक छोटी सी टिप है जिससे आप लोग का हो सकता है कि ग्रेड जो है वो बदल सके सही है तो बहुत इंपॉर्टेंट uh, वीडियो है तो सुकून से उसको गौर से सुन लेना ये वैसे आप किसी भी ज़रूरी नहीं है किसी कंप्यूटर साइंस का की बात हो रही है यहाँ पे इट्स लाइक ये आप हर पेपर में अप्लाई कर सकते हो इस लॉजिक को जो भी चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइक ओ लेवल का पेपर हो ए लेवल का पेपर हो मैथ्स हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कुछ भी आप ले लें ये आज की जो वीडियो एक तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक बेसिक सी गाइड है कि आप लोग अपनी तैयारी करते किस तरीके से सही है तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज चलो लेट्स स्टार्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना मैं जब भी कभी ग्रेड्स की बात करते हैं ना हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मुझे बी ग्रेड चाहिए मुझे ए ग्रेड चाहिए मुझे ए स्टार चाहिए तो बहुत सारी चीज़ों पे ना वैरी करता है और डिपेंडेंट होता है वो उसमें सबसे जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते दैट इज़ वो समझते हैं कि सिलेबस इज प्रपरेशन ये दो अलग अलग चीज़ें तो मैं ज़रा इसके बारे में तुम लोगों से बात करूँगा आज कि वट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड प्रपरेशन अच्छा जी देखो है तो बहुत छोटी सी चीज़ इतनी ज़्यादा कुछ कुछ है नहीं इसमें लाइक प्रॉपर तरीके से लेकिन देखो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए कि अब जब हम बात करते हैं सिलेबस और प्रिपरेशन की ना तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने आने चाहिए और ये अगर आप लोगों ने डिफ्रेंश कर लिया तो इससे ही आप लोगों का ग्रेड जो है वो सब चीज़ें जो हैं आप लोगों के एक तरीके से पता चलेंगे कि आप लोगों के ग्रेड आने में क्या वाला है सही है देखो होता क्या है यूजुलटूडेंट्स कन्फ्यूज जाते हैं कि भाई हम लोगों ने सिलेबस कर लिया इसका मतलब है हमारी तैयारी हो चुकी है अब सिलेबस किसे कहते हैं प्रिपरेशन किसे कहते हैं ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ऑल्दो मैं अपने लेक्चर्स में इसको डिस्कस करता रहा हूँ बहुत दफ़ा लेकिन यहाँ पे जो है मैं एक, एक अलग से इसकी प्रॉपर वीडियो बना के मुझे डालनी थी प्रिपरेशन के हवाले से आप लोगों की तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ सही है अच्छा जब भी हम बात करते हैं सिलेबस की ना तो सिलेबस इज समथिंग जो अभी तक आप लोगों का हो जाना चाहिए नहीं भी हुआ तो नाइनटी तकरीबन हो जाना चाहिए एटी टू नाइन्टी कंप्लीट हो चुका हो और फिर उसके बाद आप लोग कहते किसे बेसिकली सिलेबस सिलेबस कहते हैं जब आप लोगों के कोई आप अगर किसी के लेक्चर्स देखते हो या किसी टीचर के लेक्चर्स देखते हो तो या किसी लाइक ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते हो कहीं पे भी किसी चीज़ के भी लेक्चर्स देखते हो तो लेक्चर्स ज्यादातर अवेलेबल होते हैं कुछ के नहीं होते कोई ऐसे मसले की बात नहीं है दिस इज समथिंग विच इज़ ओनली मतलब आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है फिर तो उसके बाद आपके बुक्स वगैरह हो गई बुक्स अगर आप लोग किसी के पास लेक्चर्स का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है जैसे अगर कोई केमिस्ट्री का कोई अच्छा टीचर अवेलेबल नहीं है या कोई सी का अच्छा टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप बुक्स उसको समझने की कोशिश करते हो जो सी आई की बुक्स हैं तो जो चीज़ समझ नहीं आती उस पर्टिकुलर कॉन् कॉन्सेप्ट को उठा के आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हो जैसे मुझे नहीं समझ आ रहा है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है बैक uh, प्रोपोगेशन क्या होता है मुझे मैथ्स में नहीं समझ आ रहा है इंटीग्रेशन क्या होती है आपने ज़रूरी नहीं कि ए लेवल्स का देखो आप अब तो इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिंदगी में आप लोगों की कि भाई चार्ट जी इस्तेमाल कर लो चार्ट जी से आप लोग अपना पूरा सिलेबस कवरेज कर सकते हो एक एक चीज़ समझ सकते हो उसके एम से उसकी डिटेल समझ सकते हो नोट्स अपने बना सकते हो तो इट्स लाइक सिलेबस कम्पलीशन दो अलग अलग, अलग चीज़ें हैं तुम लोगों को लगता है कि सिलेबस कम्प्लीट हो गया मतलब आप लोगों का ग्रेड आ गया सही है ऐसा कुछ भी नहीं है तकरीबन अगर एक स्टूडेंट एक टीचर है उसके अराउंड फाइव स्टूडेंट्स हैं तो फाइव के फाइव स्टूडेंट्स का सिलेबस कम्पलीट वो एक ही वक्त में होता है लेकिन उन 500 में से कुछ के स्टार्स कुछ के एज बाकी बी सी सब के ग्रेड्स डिफरेंट क्यों आ रहे होते हैं क्योंकि उनका फ़र्क होता है प्रिपरेशन के अंदर तो इसके बारे में मैं पहले बात करता हूँ लेकिन पहले हम सिलेबस ख़त्म कर लें सही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टीचर से पढ़ो और बिल्कुल भी इस एक जाहिर सी बात है आपको हेल्प हो जाती है कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो वो ऑलरेडी आप जो खुद रिसर्च करते हो एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया फिर उसके बाद हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया या डेसिमल नंबर्स हो गए हेक्साडेसिमल नंबर्स हो गए आप यूट्यूब पर जब बेानतहा वीडियोज़ मौजूद हैं इंडियन यूट्यूबर्स की मौजूद हैं फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स मौजूद हैं तो कॉन्टेंट तो बहुत मौजूद है आप लोगों के पास बस टीचर का ये फायदा हो जाता है कि वो सारे काम जो है जो आप लोग खुद करना चाहते हो वो एक वो एक तरीके से टीचर खुद करके आपको गाइड कर देता है कि भाई ये, ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं और वो आपको समझा देता है तो ये फायदा है सही है बाकी इसके अलावा वही सेम चीज आप बुक्स वगैरह यूट्यूब वगैरह से इजिली कवर कर सकते हो लेकिन ये सब चीज़ें सिलेबस हैं अभी आपकी तैयारी शुरू नहीं हुई है सही है अब आता है मेन चीज प्रिपरेशन तो होपफुली आप लोगों होपफुल यहाँ तक का जो सारा सिलेबस uh, है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप लोगों का वो खत्म हो चुका होगा अगर नहीं भी हुआ तो एटी परसेंट तक तो हो जाना चाहिए सही है अब आपके पास कितना टाइम रह गया देखो फैब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है यू आर ऑलमोस्ट डन विद तो मार्च अप्रैल मैक्सिमम टू लेफ्ट जिसमें आप लोग फोकस किस चीज पर करते हो वो ये जो दो महीने ना ये आपका ग्रेड डिफाइन करेंगे आपका जो ग्रेड डिफाइन होना है वो आपका इन दो महीनों के अंदर होना है मार्च और अप्रैल के अंदर जिसमें आप लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट होती है देखो टॉपिकल बहुत जरूरी है टॉपिकल किस लिए जरूरी है मैं दोनों को डिफरेंस को भी समझा देता हूँ कि टॉपिकल में फर्क क्या होता है ईयरली में फर्क क्या होता है दोनों के फायदे के नुकसान क्या है सही है देखो एक चैप्टर ले लेते हैं मैथ्स का ले लेते हैं क्योंकि मैथ्स तकरीबन सबके पास होता है सही है मैं सिर्फ सी की बात नहीं करूंगा मैं मैथ्स का चैप्टर ले लेता हूँ देखो मैथ्स का हम एक चैप्टर ले लेते हैं इंटीग्रेशन ले लेते हैं या डिफेंसिएशन ले लेते हैं ठीक है तो इंटीग्रेशन अगर मैं एक चैप्टर ले रहा हूँ तो होता क्या है यूजली कि किसी भी टीचर के या कोई भी टीचर ले लो आप तो वो क्या करते हैं आप लोगों को उसके केसेस समझा देते हैं कि ये ये केसेस हैं इस तरीके से सवाल आते हैं आप लोग वहाँ पे देख रहे होते हो और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है जब कोई सॉल्व कर रहा होता है कोई भी टीचर क्वेश्चंस को आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है सही है लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा क्यों नहीं होता है जब आप खुद करने बैठते हो तो आपसे नहीं हो पाते अब एक पर्टिकुलर टॉपिक की स्ट्रेंथनिंग होती है सही है एक पर्टिकुलर टॉपिक की स्ट्रेंथनिंग वो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है तो उसके लिए हम टॉपिकल इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने एक चैप्टर खत्म किया इंटीग्रेशन तब तो मैं उसके हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या फिफ्टी क्वेश्चन थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन सोल्व करूंगा चलो दस सोल्व करूंगा लेकिन उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ मुझसे ये हो पा रहे हैं सही आपके टॉपिकल मतलब कर लिए इसका ये मतलब नहीं है कि प्रिपरेशन हो गई है सही है कभी भी इसका ये मतलब नहीं है कि टॉपिकल्स करे हुए हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन हुई भी आप जाके एग्जाम में बैठ जाओगे कभी भी ये चीज करके मत जाना कि सिर्फ टॉपिकल स्कीम है और आप जाके एग्जाम में बैठ रहे हो तो टॉपिकल क्या होते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं उसके बाद आप लोगों को एक तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक की गाइडेंस मिलती है कि भाई हाँ ये चीज अब मुझे यकीन हो चुका है देखो एक सवाल करने बैठ तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो खुद से नहीं हो पाएगा किसी से मुझे मदद लेनी पड़ेगी इस तरीके से पजल्स काम करते हैं पजल्स भी इसी तरीके से काम करते हैं कि जब आप पजल्स को देखते हो तो एक छोटा सा ऑप्शन ऊपर आ जाता है हिंट का सही है तो अगर तुम उस हिंड पे क्लिक करते जाओगे तो कभी भी तुम उस पजल को सॉल्व करना नहीं सीखोगे अंटेल और खुद सॉल्व करो खुद बार बार ट्राई करते जाओ एक दफा फेल हो गए दूसरे दफा थोड़ी सी दफा हिंट ले लो फिर अगली दफा खुद ट्राई करो फिर हिंट ले लो फिर अगली दफा फिर ट्राई करो फिर हिंट ले लो एक वक्त आएगा जिसमें तुम खुद कर पाओगे उसको तो इट्स लाइक इट टाइम लेकिन टॉपिकल बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए आप लोगों के बहुत आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक की स्ट्रेंथनिंग करते हो टॉपिकल के जरिए देखो अभी जितना टाइम रह गया उसके मुताबिक अगर मैं तुम लोगों की जगह पे होता और मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ होता सिर्फ तो मैं क्या करता मैं एक टॉपिक लेता उसके टॉपिकल एक टॉपिक जैसे मैंने इंटीग्रेशन ले लिया या डिफ्रेंसिएशन ले लिया मैंने उस टॉपिक के टॉपिकल पासवर्ड खोल लिया उसके पाँच से दस सवाल सॉल्व कर लिए हर एक एक केसेस का कि मुझे हाँ कन्फर्मेशन हो गई है कन्फर्मेशन क्या हो गई है भाई कि हाँ मुझे ये चैप्टर तकरीबन आता है थोड़ा बहुत आता है ज़रूरी नहीं सारा है जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं अभी फिलहाल अगर तुम लोगों की जगह होता तो मैं यही करता कि भाई एक टॉपिक लिया उस टॉपिक के मैंने पाँच से दस क्वेश्चन सोल्व कर लिया ऑफकोर्स अब मैं पचास क्वेश्चन सोल्व करने का तो टाइम नहीं है ना तो उसकी आप आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि आपको ग्रेड कर लेना फिर उसके मुताबिक प्रिपरेशन होती है मुझे 2010 से सॉल्व करने दो हज़ार से सॉल्व करने टॉपिक के पास वो डिपेंड करता है लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें टॉपिकल पासवर्ड्स की मैं तुम लोगों के सिनारियम में होता तो मैक्सिमम पांच से दस क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि एक से दो घंटे में हो जाने चाहिए वो किए नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन हो गए ताकि मुझे इसकी सब एक तरीके से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अभी सारी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज इसली पासवर्ड्स ये तुम लोग भूल जाते हो और ये बहुत से बच्चे छोड़ के जाते हैं ये मैं बता दूं दूरली पासवर्ड्स इंतहा से ज्यादा इंतहा से ज्यादा जरूरी चीज है सही है किस तरीके से जरूरी चीजें अब मैं तुम लोग को इसकी पूरी प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि इलाई पास ना बेसिकली आप लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं चलो ये ग्राफ है अगर इसको समझ लिया तुम लोगों ने और अपनी प्रिपरेशन का तरीका अपना जो प्लान बनाओगे ना अभी मैं तुम लोगों को प्लान बनाना भी सिखाता हूँ कि किस तरीके से प्लान बनाते हैं क्या क्या करना होता है सारी चीजों को उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर ही लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये ईयरली आर डी से फायदा क्या होता है और कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है देखो इमेजिन करो तुम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और टॉपिकल पासवेड के थोड़े से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तुम्हारा जो सबसे पहला पासवेड है ना जो तुम्हारा पेपर सबसे पहला पेपर है अगर वो तुम्हारा सीआई का पेपर हुआ पहला पेपर ही सीआई का पेपर हुआ तो फिर मैं ये बता सकता हूँ अगर तुम लोग जीनियस नहीं हो या कोई कोई बहुत कोई हाई ले आई क्यू लेवल नहीं है तुम लोगों का तो तुम ग्रेड एक्सपेक्ट मत करो यू ग्रेड भी आ सकता है ई e ग्रेड भी आ सकता है वो आपके आई क्यू लेवल पर डिपेंड कर रहा है चीज़ अब आप आपने बेसिक्स पढ़ी नहीं है आपने अपनी प्रिपरेशन कम्प्लीट नहीं की हुई अपने ग्रेड के मुताबिक आपने बस अपने आई क्यू लेवल पर डिपेंड कर रहे हो कि हाँ अगर तुम्हें उस वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई या नहीं आई उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए फिजिक्स का क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए तो वो सब चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं वो तुम्हारे आई क्यू लेवल पर डिपेंड कर रही हैं क्योंकि अगर तुम्हारा पहला पेपर ही सी आई का पेपर हुआ तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि 2015 से सॉल्व कर लो उससे अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है सही है अच्छा अब होता क्या है हम लोग स्टार्ट करते हैं 2015 से मैं अपनी अपनी बात बताता हूँ जब मैंने अपना मैथ्स का पेपर देना था और लाइक मेरे जो ग्रेड्स हैं मैथ्स फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस में तीनों स्टार्स हैं तो अब मेरी क्या अपनी प्रिपरेशन वो थी देखो मैंने भी तकरीबन इसी मार्च में तैयारी जो है वो स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सही है अब जहाँ तक बात करते हैं हम लोग पहला पेपर जब मैंने अपना एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि भाई मैंने 2023 में पेपर देना है सही है तो मैं इमेजिन के तौर पे तुम लोगों को बता रहा हूँ दो हज़ार में जैसे मैं पास्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया मैंने दो का पहला पेपर सॉल्व किया दो में अगर वो सौ मार्क का पेपर है सही है इमेजिन कर लेते हैं कि अगर वो सौ मार्क का पेपर है मेरा मैथ्स का पेपर ले लेते हैं अगर वो सौ मार्क्स का पेपर है तो उसमें मेरे आ रहे हैं दस मार्क्स और ये मैं तुम लोग को वैसे बता रहा हूँ कि असल में ही ऐसा ही होता है क्या आप लोग जब पहला पेपर अटैम्प्ट करने जाते हैं तो दस दस मार्क्स आएंगे चलो बीस मार्क्स आ गए या आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई टॉपिकल पासवर्ड बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हुए तो अच्छे चलो ज़्यादा से ज़्यादा आपने थर्टी मार्क्स स्कोर कर लिए हैं फोर्टी मार्क्स स्कोर कर लिए कोई मसले की बात नहीं यहाँ पर घबराया नहीं है इस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो दो के जितने वेरियंट्स हैं मे जून अक्टूबर नवंबर और कोई से भी वेरिएंट हो वन वन हो वन टू हो जो भी वेरिएंट वेरिएंट हो वारीण वारीण हर उसके वेरिएंट्स करने हैं आप लोगों ने लेकिन मई जून और अक्टूबर नवंबर रखो फेब मार्च मत जाना वो वो उसके फिर अलग वो डिस्टेंशन वाले लोग करते हैं जो फेब मार्च भी करना चाहते हो तो लेकिन अभी फिलहाल जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है मई जून अक्टूबर नवंबर और सारे वेरियंट्स तो अगर चार पेपर हैं तो चार पेपर मतलब साल के हिसाब से आठ पेपर हो जाएंगे तो वो डिपेंड करता है आप लोगों का सही है तो अब देखो दो में मेरे अगर आ रहे हैं टेन आउट ऑफ वन हंड्रेड उसका दूसरा वेरियंट उठाया चलो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई अब देखो टेन आउट ऑफ हंड्रेड आ गए ना इसका ये मतलब नहीं है अब आपने इसको करना किस तरीके से आपने टाइमर लगाना है उसी तरीके से उसी तरीके से टाइमर लगाना है जिस तरीके से पेपर में होता है कि भाई इतना टाइम है मेरे पास आपको अब यहाँ पे बहुत सी बहुत सारी चीज़ों की अपनी प्रिपरेशन करनी है आपको टाइम मैनेजमेंट की भी करनी है आपको प्रेशर की भी करनी है आपको हर चीज की अपनी तैयारी करनी है तो 2015 में टाइमर लगाओ जितना पेपर हो जाए उस टाइम में ठीक है नहीं हो पा रहा अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया उस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व कर लो मार्क्स किंग खोलो मार्क्स किंग से अपने अपने पेपर को चेक करना सीखो कि मार्क्स कहाँ से कहाँ पे मिलते हैं किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं हर एक चीज को देखो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया अब जितनी गलती है उनको इंप्रूव करो मतलब अगर ये पेपर तुम फिर से अटेम्प्ट करने बैठो ना तो तुम्हारे ऐसी तैयारी हो कि तुम्हारे आउट ऑफ आउट्रेड आ जाए सिर्फ एक स्पेसिफिक पेपर के बारे में देखो मैं बताऊ ना मैंने जब अपना पहला पेपर खोला था मैथ्स का तो मुझे ब्रैकेट की एक्सपेंशन तक नहीं आती थी ये मैं ए लेवल बात कर रहा करूँ कि भाई ब्रैकेट्स को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं ए एस के अंदर ए एस के अंदर ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन तक नहीं आती थी लेकिन उसको जाके यूट्यूब पे जाओ सर्च करो वो टॉपिक पर्टिकुलर क्वेश्चन सर्च करो या उस पर्टिकुलर ईयरली पेपर का एक्सप्लेनेशन देख लो समझ लो कि अच्छा ये सवाल इस तरीके से करते हैं अच्छा मुझे समझ आ गया भाई ठीक है अब उसको समझ लिया आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि भाई इंटीग्रेशन का ये वाला केस मुझसे नहीं हो रहा या मुझसे एरिया किस तरीके से निकालते मुझसे नहीं हो रहा अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जाओ यूट्यूब पे जाकर देखो इंप्रूव करो इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है अब यहाँ पे आपने इंप्रूवमेंट कर ली अपनी आपने अपने पेपर को कर लिया हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड वाला उसके बाद आप वेरियंट टू उठा लो उसका वेरियंट टू उठाओ सेम तरीके से पेपर अटैम्प्ट करो बिल्कुल सेम तरीके से उसको ग्रेड करो मार्क्स मार्क्स अपने पर अपने पास लिख लो एक शीट के अंदर कि भाई अपनी इंप्रूवमेंट देखना होती है आपको ताकि अपना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो ताकि सपोज करो मेरा सेकंड वेरियंट था 2015 का मई जून का तो मेरे 12 मार्क्स आए चलो ठीक है दो मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई जो पहले गलतियाँ की थी वो आप फिर से नहीं करनी अगर कोई दूसरा सवाल आया हुआ है तो ठीक है उसको आप गलतियाँ कर सकते हो उसमें फिर मार्क्सीम को देखो मार्क्सम से अपने आप को इम्प्रूव करो दो के पेपर आपने सारे सॉल्व कर लिए छः पेपर थे आठ पेपर थे नौ पेपर थे जितने पेपर थे वो आपको डिपेंड कर रहा होता है कि 2015 में मई जून और अक्टूबर नवंबर में, में कितने पेपर्स आ रहे हैं आपके अब आ जाओ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगी आपकी ग्रेड की सही है अभी भी आप लोग ऐसे नहीं है कि बहुत ही कोई ए स्टार लिया लियाओगे अभी आपने सिर्फ दो हजार का सॉल्व किया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के ई ग्रेड की तरफ जाओगे ई ग्रेड कब कब पहुंचोगे जब दो के आपके सारे पासवेपर्स हो जाएंगे इसी तरीके से करना है एक पेपर उठाया अपना टाइमर ऑन किया उस तरीके से पेपर करो कि तुम एग्जाम में पेपर दे रहे हो मतलब ऐसे करो कि 2016 ही तुम्हारा पेपर है सीआई का अब उसको तुमने सॉल्व किया 2016 का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया सारी अर्ली पासवर्ड जितने भी थे उसके सारे सॉल्व किए पेपर सॉल्व हुआ टाइमर खत्म हो गया बस अपने आपको रोक दो जितने मिसिंग क्वेश्चन थे उसको सोल्व कर लो फिर मार्क्सिम से अपने आपको ग्रेड करो ग्रेड करने के बाद अब आप लोग अपने क्या करना है अपने पास नोट डाउन करो जितनी गलतियां थी उनको इम्प्रूव करो किस तरीके से कर सकते हो यूट्यूब पर जाओ सेम पेपर सर्च करो ट्वेंटी नाइन सेवन जीरो नाइन पेपर वन वेरिएंट वन पेपर टू वेरियंट वन पेपर थ्री वेरियंट वन सर्च करके यूट्यूब पर जाके उसकी एक्सप्लेनेशन सीखो एक्सप्लेनेशन सीखने के बाद हर पूरे पूरे के सोल्यूशन मौजूद होते हैं आप वो जाके सीखो देखो अभी पेपर टू के भी सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपको इन शस के जो पेपर टू है सी आई का नाइन सिक्स कंप्यूटर साइंस का तो कोशिश करूँ कि उसके भी पेपर्स के वीडियो आ जाए ट्वेंटी इनशाला तो होप होपफुली आ जाएंगी नहीं आ पाई तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ सही है लेकिन कोशिश पूरी है तो ट्वेंटी सिक्सटीन के आपने सोल्व किए एल डी से जाके देख लिया एल डी मत देखना सिर्फ आपने क्या देखना है आपने खुद सॉल्व करके फिर जो गलती है उनको इम्प्रूव करना है कहाँ से सोल्यूशन अच्छा इसको इस तरीके से करते हैं अगर ये सवाल इस तरीके से आता है अच्छा इस तरीके से होता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर इजाफा करो फिजिक्स का क्वेश्चन है चलो तो मैं ये चीज़ याद नहीं थी तो मैं पता चल गया कि हाँ ये मसला कर रही है मुझे मैंने जाके इसको फॉर्मूला को देख लिया या ये इसका इलास्टिक एनर्जी का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, का फॉर्मूला है अच्छा इस तरीके से करते हैं अगर इस तरीके से सवाल आता है तो ये करते हैं चलो ठीक है अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इंक्रीज करते जाओ उसको ठीक है देन यहाँ ट्वेंटी सेवनटीन पे आ गए आप मूव करें थोड़ा सा ग्रेड बड़ा आपका ई से थोड़ा सा ज्यादा हो गया ई और डी तकरीबन अभी तक ई ही चल रहा है फिर उसके बाद आप ट्वेंटी एटीन पर पहुंचे आपका डी ग्रेड बन जाता है यही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए करते जाओ फिर ट्वेंटी नाइनटीन का सी ग्रेड बन जाएगा करते 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 ट्वेंटी 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 टू अब आपका लास्ट जो पेपर है जो अभी तक लास्ट पेपर हो चुके हैं वो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अगर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक कर लेते हो तो तुम इस चीज़ को समझो कि तुमने कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व की है ट्वेंटी फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आ रहे हो और एक पैटर्न से फॉलो करते आ रहे हो जो तुम्हें सियाई में भी मिलेगा अब इमेजिन करो तुम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यहाँ पे अगर इस पूरे साइकिल से गुजर के तुम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के एग्जाम पेपर में जाके बैठते हो तो तुम्हें क्या लग रहा होगा वहाँ पर सिर्फ तुम्हें हंसी आ रही होगी ये मैं अपने एग्जाम की बात बता रहा हूँ मैं जब वहाँ अपने एग्जाम में जाके बैठा था मैथ्स uh, के इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिटरली आपको हंसी आ रही होगी कि ये क्या मजाक चल रहा है आपको लग रहा हो कि मैंने क्यों पढ़ा इतना ये ये ख्याल आते हैं कि मैंने क्यों इतना पढ़ा जब इतना आसान पेपर आना था वो आसान ही इस वजह से हुआ है क्योंकि आप वो सारी सेम चीज़ करते हुए आ रहे हो किसने कितने सालों से तकरीबन छः साल से आप लोग छः साल के पेपर्स अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो तब आप जब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में जाके बैठते हो ना तो उसमें तकरीबन एट्टी परसेंट पेपर आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये तो मैंने पहले किया हुआ है और ऐसे लग रहा था चलो एक और पेपर कर रहा बस मैं ये वाली बात हो रही होती है अब ये पहला पेपर नहीं होता ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का अब आपके तकरीबन सिक्सटी पेपर्स कुछ फिफ्टी टू सिक्सटी पेपर्स यहाँ पे हो चुके हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टीन से ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक सिक्सटी पेपर्स तकरीबन बन जाते हैं तो अगर आप लगाओ हिसाब तो सिक्सटी पेपर्स तकरीबन या फिफ्टी फोर पेपर्स आपके हो चुके हैं तो अब आपका ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाला फिफ्टी फिफ्थ पेपर होगा ऐसी कैलकुलेशन बेसिक सी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ तो फिफ्टी फिफ्थ पेपर में तुम इस चीज़ को समझो कि जब तुम पेपर करने बैठोगे तो एक वो अलग सिनेरियो है बहुत अलग सिनेरियो उसके लिए फिर आप कह सकते हो कि आप ए स्टार ए पे लाइक कर रहे हो क्या अब वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है एग्जामिनर के घर में मसले तो नहीं चल रहे थे जो उसने कोई पेपर ऐसा तो नहीं दे दिया आपको जो आपको तंग करे तो इट्स लाइक डिपेंड करती है सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ों पर लेकिन ऐसा जरूर है कि अब यहाँ पे आके अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका डी ग्रेड या सी ग्रेड बन रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरने के बाद हाँ बी ग्रेड ए ग्रेड ए स्टार इनसे ऊपर बात होगी इनसे नीचे बात हो ही नहीं सकती आप लोगों की अगर इस साइकिल से गुजरते हो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सोचनी होती हैं इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को ले चलना है देखो अब क्या कर सकते हो भाई अब जितना कम टाइम रह गया उसके मुताबिक देखो अपने तुम्हारे कितने सब्जेक्ट्स हैं कितने सब्जेक्ट्स तुम्हारे रह चुके हैं और फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अब तुम्हारा रह गए हैं तीन सब्जेक्ट्स हैं कितना टाइम है दो महीने है तुम पूरे दो महीने का आज बैठो सिर्फ आज जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह कोशिश करके मैं भी अपलोड कर दूंगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना पूरा प्लान बनाओ दो महीने का अपने पेपर्स तक पूरे पेपर है सही है जब भी जब भी आपके पेपर्स हैं उसके सबकी नोट डाउन करो डेट्स डेट्स को नोट डाउन करने के बाद अब प्लान बनाओ अपना इस तरीके से प्लान के बगैर मत चलो बस तुम तो टॉपिक्स कर रहे हो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो पूरे पूरे Uh, हर एक एक सारे टॉपिक्स के सब चीजें चल रही है तुम लोगों की और डिस, डिटेल्स देख रहे हो टॉपिक टॉपिकल्स देख रहे हो सब चीजें कर रहे हो लेकिन इस प्लान को अगर फॉलो नहीं कर पाए मसला हो जाएगा अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मसला आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस देखो इस तरीके से मत करोगे तुम सिर्फ वीडियोस ही देखे जा रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होगा तुम लोगों की इसकी मिसाल इस तरीके से जैसे आप जिम की वीडियोस देख रहे हो आपकी खुद ही बॉडी बनी जा रही है ऐसा हो ही नहीं सकता राइट जब तक आप खुद जाके उस प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे खाने की वीडियो देख रहे हो खाना थोड़ी बनकर आ जाएगा तो ये वाली इस लॉजिक को अपने दिमाग में रखो और करना पड़ेगा इस तरीके से नहीं हो पाएगा और मैक्सिमम तीन महीने रह गए मेहनत कर लो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं सही है कोशिश कर लो जितनी कर सकते हो अच्छा देखो ऐसा भी होता है मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने पांच पेपर भी सॉल्व किए दिन के अंदर छह पेपर भी सॉल्व किए लेकिन आखिरी दो महीने में, में पढ़ा है मैंने पूरे बाकी जितने महीने उसमें मैंने सिर्फ तफरी की है लेकिन आखिरी दो महीने में मैंने पढ़ा था अपना पूरा दिया था चौबीस घंटे भी पढ़ना पड़े बाईस घंटे पढ़ना पड़े बीस घंटे पढ़ना पड़े दो घंटे सो फिर उठ के पढ़ने बैठ जाओ वो अभी फिलहाल आप कर सकते हो ये चीज जवान हो यार तुम सब कर सकते हो कोई मसले की बात नहीं पांच पेपर करना चाहो दिल में पांच पेपर करो टाइम तुम्हें पता है कि भाई दो घंटे में एक पेपर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद इंप्रूवमेंट देखोगे स्टैटिस्टिक का एस का पेपर दिया था मैंने पहला पेपर अटैम्प्ट किया आउट ऑफ फिफ्टी पांच मार्क आ रहे हैं भाई कोई मसला नहीं फिर दूसरा पेपर अटैम्प्ट किया उसको इम्प्रूव कर लिया दस पेपर दस मार्क्स हो गए फिर पंद्रह मार्क्स हो गए इंप्रूव होते होते चलो फिर गिर गया दस मार्क्स पे फिर चला गया फिर उस सारे पेपर्स को सॉल्व किया फोर्टी मार्क्स की अपनी गलतियां जो थी इंप्रूव किया करते करते ऐसे मुझे इतना तो वो लगता था कि भाई हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते पाकिस्तान के अंदर दे यूजली फोकस ऑन टिप्स एंड टेक्निक्स अब उसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं सही है तो बाकी आपको जितनी यूट्यूब वीडियोज़ मिलेंगी उसमें भी ऐसा ही है कि आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर बस आपको करके आ जाते हैं आपको नहीं पता होता आप क्यों कर रहे हो कैसे आंसर आ रहा है बस हो जाता है तो ऐसे ही होता है एस वन के अंदर और एम वन के अंदर आपको पता नहीं होता आंसर कैसे आ रहे हैं बस आपको हो जाता है और वो कब रीच रीच होता है ये पॉइंट जब आप पेपर सॉल्व करते जाते हो और फिर एक वक्त आता है मेरे फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी भी आने लग गए फिर दूसरा पेपर अटैम्प किया उसमें भी फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी क्यों क्योंकि रिपीट हो रही है लॉजिक्स अब वो किस तरीके से आपको बदल दे सकता है इतने साठ पचपन पेपर उसने फिफ्टी फाइव पेपर वो दे चुका है ऑलरेडी तो मतलब फिफ्टी फाइव तरीके से वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ चुका है अब वो और क्या करेगा बेचारा

डे बाई डे मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ और ये वैसे मैंने अभी जो रिसेंट हम लोगों का जो बैच चल रहा है कंप्यूटर साइंस का उनको मैंने ये दिया हुआ है अपना पूरा प्लान वो डे टू डे प्लान फॉलो कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे वो जो जो कर रहा है वो जाने जो नहीं कर करा वो जाने उनके ग्रेड मुझे किसी के ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है सही है तो मैं आप लोगों को एक प्लान दिखा देता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो अगर आपने सी का इस तरीके से फॉलो करना है तो थोड़ा सा लेट हो गया वो मैंने फिफ्थ फेब्री से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी तो मैं दिखाता हूँ उसको देख के तुम लोग एज अ गाइड इस्तेमाल कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स भी बनाने के लिए मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ भी सब्जेक्ट रहे हैं सोशियोलॉजी वगैरह इंग्लिश कुछ भी सब्जेक्ट्स है तो उसको तुम लोग इस पर्टिकुलर प्लान को देखते हुए बना सकते हो एज अ गाइड इस्तेमाल कर सकते हो मैं तुम्हें ए की दिखा देता हूँ एक एक एस का प्लान है मैं तुम लोग को दोनों दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ए का प्लान दिखा दूँ जल्दी से अच्छा ये देखो ये ए का प्लान है आप लोगों का जिसमें आप लोगों की हर एक एक जो डे बाय डे ना सारी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन ये फिफ्थ फेबररी से सही है तो इसको देखो अगर फिफ्थ फेबररी से पी वन डेटर रिप्रेजेंटेशन उसके रिवीजन टॉपिकल और रिवीजन तो ये सब टॉपिकल पेपर्स हैं फिफ्थ फेबररी से कि भाई आपने रिवीजन किया उसका टॉपिकल पेपर्स किया और फिर उसको थोड़ा सा बहुत जितने भी क्वेश्चन गलत थे उसको फिर से रिवाइज कर लिए सारे आपके टॉपिक्स आ गए हर एक एक टॉपिक कवर हो गया टॉपिकल के साथ थोड़े थोड़े टॉपिक्स कर लिए जरूरी नहीं सारे करो क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं एक सब्जेक्ट नहीं है सही है अब क्योंकि टाइम कम है अब देखो प्रिपरेशन स्टार्ट होगी ये ये सिलेबस था ये सिलेबस की रिवीजन थी अब प्रिपरेशन क्या है ये देखो आपने कंप्लीट रिवीजन किया ट्वेंटी फोर्थ फेबर ट्वेंटी फिफ्थ फेबर अभी जैसे आज जो है ट्वेंटी फिफ्थ इनका रिवीजन चल रहा है जो नॉर्मल बैच के स्टूडेंट्स हैं अगर वो फॉलो कर रहे हैं उसको तो अब वो रिवाइज कर लेंगे पूरा पीवन उसके बाद ट्वेंटी सिक्स फेबर से दो पास पासपोर्ट उठाएंगे पेपर वन वन और वन थ्री मे जून का उसको सॉल्व करेंगे जैसे नाइन सिक्स में दो पेपर्स होते हैं तो अब आपने इसको सॉल्व किया अब ट्वेंटी सेवन फेबरी को आपने दो पेपर उठाए आपने उसको दो पेपर सॉल्व कर लिया तो ये अक्टूबर नवंबर और मई जून चार पेपर हो गए भाई ट्वेंटी सिक्स फेबररी और ट्वेंटी सेवन फेब्ररी हंड्रेड हंड्रेड एंड वन परसेंट इसमें गलतियाँ निकलेंगी कोई मसला नहीं इंप्रूव करो आगे बढ़ो ट्वेंटी एथ फेवरी पर जाओ ट्वेंटी नाइन फेब्ररी पर और इम्प्रूव करो ट्वेंटी सिक्सटीन के दो पेपर्स दो दो पेपर करके सॉल्व करवाए मैंने इसमें क्योंकि पेपर वन है थोड़ा सा आसान भी होता है कंपेरेटिवली पेपर टू से इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसमें मेमोराइजेशन इनवॉल्ड है देखो कि कौन सी गलती हो रही है आपकी ये चीज़ याद नहीं थी चलो इसको याद कर लो नोट डाउन कर लो ये मुझे ज़्यादा याद करना है इस चीज़ को ज़्यादा याद करना है इस चीज को कम याद करना है फिर ट्वेंटी पर आ जाओ ट्वेंटी पर आ जाओ ट्वेंटी पर आ जा करते करते टेंथ मार्च तक आप लोगों के 2021 के तक सारे पासवर्ड आप लोगों के पेपर वन के हो चुके होंगे ये सिर्फ एक पेपर वन का मैंने वो सी एस तुम लोग को बता रहा हूँ अब इसको, इसको इस्तेमाल करके तुम किसी भी सब्जेक्ट का बना सकते हो फिर मार्च में आ जाओ मार्च के अंदर क्या और भाई पेपर टू की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करनी है पेपर वन हो चुका है पेपर टू कर लिया पेपर टू में क्या है भाई दो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और लाइक पेपर सॉल्व करने के बाद भी टाइम लगता है इसको चेक करने में इसको प्रॉपर सारी चीज़ों को तो एक पेपर मैंने रखा है ट्वेंटी का एक पेपर किया ट्वेल्थ मार्च को ट्वेंटी फिफ्टीन का एक पेपर की आहिस्ता आता करते करते आप लोगों ने इसको सॉल्व किया ट्वेंटी सेकेंड मार्च तक आपके ट्वेंटी सेवनटीन तक के सारे पासवर्ड हो चुके होंगे फिर आपने क्योंकि पेपर वन का पेपर आने वाला है तो ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी थर्ड मार्च ट्वेंटी फिफ्थ मार्च आपने रिवाइज करना स्टार्ट किया पेपर वन को उसके बाद फिर से ट्वेंटी सिक्स मार्च से पेपर टू स्टार्ट कर दिया क्योंकि पेपर वन को भी भूलना नहीं है सारी चीजों को तो ये हर एक एक दिन के हिसाब से बना हुआ डे टू डे फिर ट्वेंटी एट मार्च में पेपर टू वापस से स्टार्ट हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी अप्रैल तक आप लोगों का अप्रैल तक

आप इसको सॉल्व करोगे और पेपर वन को रिवाइज़ करते जाओगे अब आ जाओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन के हमने कुछ पेपर छोड़ दिए थे पेपर वन के ताकि आप उसमें एक तरीके से स्पीड मिक्स उसमें रहो एक तरीके से प्रैक्टिस में रहो एयरडी पासपर्ड से करने की तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन से ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के आपने सारे एयरली पासप सॉल्व किए पेपर वन के थर्टी पेपर को आपने कंप्लीट रिविजन किया फिर अब ये देखो अब ये फर्स्ट मार फर्स्ट मे से थर्ड मे तक क्या है ये ईयरली रिविज़न है ईयरली रिविज़न क्या होता है कि बस आप एक स्क्रीन पर अपना ईयरली खोलो मोबाइल पे उसके मार्क्सिम खोल को लो क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने इसको रिकॉल किया ये आप हर पेपर के साथ कर सकते हो क्या आपने मैथ्स का कोई पेपर देखा अच्छा ये सवाल इस तरीके से हो सकता है मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ठीक है आपने जल्दी से मार्क्सम देखी हाँ ये स्टेप्स थे बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये इसी तरीके से आंसर आएगा अब उसमें आप खुद सॉल्व नहीं करते टाइम ज़्यादा नहीं करते अच्छा इंटीग्रेशन का ये सवाल है अच्छा मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा ये फार्मूला लगाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा आंसर आ जाएगा आपने जाके आंसर नहीं देखना स्टेप्स देखने अभी यहाँ पे आपको कंप्लीट रिविजन करना है अगर मैं पेपर वन की बात करूँ तो उसमें देखना अच्छा ये सवाल है वट इज राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रोफोन तो चलो माइक्रोफोन की डिस्क्रिप्शन देख ली इस सवाल को किस तरीके से करते हैं लॉजिक एट का क्वेश्चन है चलो अगर नहीं समझ आ रहा याद नहीं आ रहा उसको जल्दी से अटैम्प्ट कर लिया तो 2015 से 2017 जितने पेपर्स बनते हैं बस एक खोलते जाओ तेज तेईस पांच, पांच तकरीबन पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट में एक पेपर निकालते जाओ तो फर्स्ट मे से थर्ड मे तक आपने जैसे सारे ईयरली पासवर्ड जितने भी अब तक सॉल्व किए उनका रिविजन करना है जब रिवीजन हो जाए फिर फोर्थ में पी वन की कंप्लीट रिवीजन और मेमोराइजेशन करते रहो करते रहो क्योंकि पेपर वन थोड़ा सा मेमोराइजेशन बेस्ड है तो उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हर एक, एक चीज़ को रिवाइज करो जितनी दफा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बैठेगा दिमाग में फिर उसके बाद सेवन्थ में को एल डी का रिविजन करने जितने कर सकते हो नोट्स का रिवाइज करो और एट्थ में आ गया आप लोगों का एग्जाम डे अब खुद सोचो अगर ये सब चीज़ें तो हम करते हुए जा रहे हो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों को ही एक स्टार चाहिए होता है तो इट्स लाइक आपके ऊपर है आप करना चाहो नहीं करो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है ना आपके पेरेंट्स फोर्स तो कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकता हूँ कोई भी बंदा है वो आपको से मोटिवेट कर सकता है और मोटिवेट भी सा... मोटिवेट भी ज़्यादातर एक दिन के लिए रहेंगे हम लोग आप लोग मैक्सिमम दो तीन दिन तक मोटिवेट रहते हो रहते हो तुम लोगों की मोटिवेशन रहती है फिर उसके बाद एक वक्त आता है बस फिर तुम फिर छोड़ देते हो फिर उसी में रूटीन में चले जाते हो तो मेन चीज़ क्या है दैट इज़ डिसिप्लिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ करते हो कि भाई कुछ भी हो जाए पप्पो की शादी है पप्पो की बेटी की शादी है नहीं है चलो कुछ और है दावत में जाना है जो भी हो आपने डिसिप्लिन के साथ करना है एक चीज़ पप्पो की शादी कैसे होगी हाँ पप्पो की बेटी की शादी होगी ना हाँ तो इट्स लाइक कुछ भी हो कोई भी सिनेरियो आपने डिसिप्लिन के साथ सॉल्व करना है दैट्स द मेन थिंग मोटिवेशन कुछ फ़ायदा नहीं देगा आप लोग को अगर डिसिप्लिन हो तो कुछ भी कर सकते हो डिसिप्लिन ही आप लोगों का ग्रेड भी ला के देगा फिर आपका एट में को पेपर वन का एग्जाम दे देन थोड़ा सा रेस्ट कर लो भैया रेस्ट करने के बाद वही सेम चीज़ फिर से स्टार्ट हो जाएगी सेवनटीन में तक का पूरा का पूरा हर एक एक दिन का प्लान मौजूद है हर एक एक दिन का प्लान तो इस तरीके से आप लोग अपना प्लानिंग करो अपना पूरा बनाओ अब ये तो सिर्फ सीएस का था अब एक प्लान बनाओ जिसमें मैथ फिजिक्स सी तीनों सब्जेक्ट्स हैं तुमने कौन सा पेपर करना है तुम्हें एक चीज़ पत... पता है कि भाई मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है 2015 से 2023 तक अब वो किस तरीके से करनी है अब वो तुम ब्रेक डाउन करो इसको सही है तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता तुम्हारे पास दिन में कितना टाइम है सही है अब उसको देखो रमज़ान आ रहे हैं वैसे भी अब तो रमज़ान के मुताबिक अपना टाइम टेबल बनाओ कि अच्छा अगर मैं एक दो पेपर मैथ से कर लेता हूँ दो पेपर सी का कर लेता हूँ दो पेपर मैं फिजिक्स से कर लेता हूँ मैं इस दिन इसका रिवाइज कर लेता हूँ मैं इस दिन एड कर लेता हूँ इस दिन वो कर लेता हूँ तुम लोगों के पास सारी चीज़ें मौजूद है आज बैठ के सिर्फ प्लान बना लो ना पढ़ो आज प्लान बना लो अपना पूरे एक ही दिन के हिसाब से इंशाल्लाह हो जाएगा तैयारी सही है तो होपफुली होपफुली कुछ समझ आएगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं ये दोनों प्लान ए का प्लान और ए का प्लान दोनों डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ आप लोगों को तो आप उसको भी देख सकते हो वहां से एज अ गाइड इस्तेमाल कर सकते हो एंड गुड लक विद योर प्रिपरेशन ठीक है जनाब इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में अल्लाह